डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी का ये क्लास सिक्स का मैथ है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें जो कथन दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो उसमें कौन सा सही है। तो एग्जैक्टली जो सही होगा और जो सही नहीं होगा वो गलत होगा। तो जो सही है तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से, तो इसका मतलब है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे यह स्टेटमेंट बतला रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 3 का फैक्टर नहीं है। इसका फैक्टर, 3 का जो भी फैक्टर रहेगा, वो 3 से जो डिविजिबल नंबर होगा उसको वो डिविजिबल करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा पड़ जा रहा है। अगर 3 जो है वो 3 का डिविजिबल नंबर है, 3 से 3 कट जाता है, लेकिन 3 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देते हैं। वैसे फॉल्स लिखने के लिए कहा नहीं गया है, फिर भी लिख देते हैं इसको। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर जो 9 से डिविजिबल है, वो निश्चित रूप से 3 से भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट बतला रहा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसी को जस्ट उलट दिया है, या 9 से जो डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 इसका फैक्टर, 9 का फैक्टर है। इसका जितना भी फैक्टर रहेगा वो सारे नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये ट्रू है। इसको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जो काफ़ी आसानी से दिमाग को भटका सकता है। क्वेश्चन नंबर सी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक नंबर जो 18 से डिविजिबल है, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6, और वो ये दोनों नंबर 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा, यह बतला रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नंबर 18 से डिविजिबल होगा वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 6 जो है 18 का फैक्टर है। तो जो नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कोई भी नंबर से डिविजिबल होता है और उसमें जो फैक्टर होते हैं, तो उससे भी वो डिविजिबल होगा, इसीलिए ये ट्रू है। तो ये ट्रू हो गया। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 10 बोथ, कोई एक नंबर है जो 9 और 10 से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो वो नंबर जो है 90 से भी डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल ये सही है, 9 और 10 मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिलता है। तो इससे जो नंबर डिविजिबल होगा, अब इसका मतलब है कि और इससे आगे नंबर आएगा, तो यहाँ पे ये नंबर मिल जाता है, 90 मिल जाता है, और 90 से तो 90 डिविजिबल होता ही है, तो इसीलिए ये दोनों नंबर से भी वो डिविजिबल होगा। तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। जब दो नंबर को प्राइम होते हैं, तो उसमें से एक नंबर जरूर ही प्राइम नंबर होता है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे बगल में बतला देता हूँ आपको कैसे ये सही नहीं है। एक दो नंबर ले लेते हैं, एक पेयर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, 4, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। मस्ट बी यहाँ पे क्या बतला रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उसमें से एक जो है वो प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर नहीं रखते हुए मैं बतला रहा हूँ कि ये दोनों में से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, फिर भी को प्राइम है ये। यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 9, तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 3 और 9, ये है। तो इसमें क्या मैच कर रहा है, ओनली वन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। को प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं किसी पेयर का जो होता है उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, और फिर भी ये दोनों नंबर को प्राइम है। टू नंबर्स आर को प्राइम, एटलीस्ट उसमें से एक जो है यहाँ पे बतला रहा है कि वो प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये को प्राइम नंबर है, इसीलिए ये फॉल्स। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ तो सीधा समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल है, सारे नंबर, सभी नंबर बोल रहा है, ऑल नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होंगे, 8 से भी डिविजिबल है।
तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये इसका फैक्टर है। फोर का जितना भी फैक्टर होगा वो फोर से जो नंबर डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, लेकिन एट से नहीं। क्यों? क्योंकि एट इससे बड़ा है और फोर जो है फोर से डिविजिबल है, ये खुद से डिविजिबल है, लेकिन क्या एट से फोर डिविजिबल है? नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी में दिया हुआ है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एट मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय फोर। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि फोर एट का फैक्टर है, इसका फैक्टर है। तो एट से जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो एट के फैक्टर, जितने भी फैक्टर होगा उन सारे नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो उसमें एट के जितने भी फैक्टर है उसमें से फोर भी एट का फैक्टर है, इसीलिए एट से जो नंबर डिविजिबल होगा वो फोर से भी डिविजिबल होगा। तो ये ट्रू है, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है एच नंबर, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल देयर सम। यहाँ पे बारीकी से समझने की आवश्यकता है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। कोई एक नंबर ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं फाइव, ये नंबर है, और ये कोई दो नंबर को अलग अलग रूप से डिविजिबल मतलब डिवाइड करता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। एक नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ये 15 ले लेते हैं, ये 15 को डिवाइड करेगा 5, और दूसरा नंबर ले लेते हैं 20 ले लेते हैं 5 से, ये दोनों डिविजिबल होगा। तो 5 दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो क्या इन दोनों के सम को मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या उसे भी ये पूरी तरह डिवाइड करेगा? तो इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 15 और 15 30 हो गया, 30 और 5 तो 35 हो गया, 15 प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 20 है, 15 प्लस 20 इक्वल टू 35 हो जाएगा, 35। तो क्या 5 से 35 जो है वो डिविजिबल होगा? तो निश्चित रूप से ये डिविजिबल होगा, मतलब इसको भी ये डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू, ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर आई को यहाँ पे हम लोगों को ध्यान से समझना होगा, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। कोई एक नंबर है, जो कोई एक नंबर को मान लेते हैं कि एक नंबर एक्स है, कोई एक नंबर एक्स है जो डिविजिबल है किससे? वो डिविजिबल है, कोई एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 5, और ये दो नंबर के दो नंबर को ऐड करके जो उसका सम हुआ है उससे ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 2, ये दोनों को ऐड कर दिए तो ये नंबर बना, और फिर इससे ये डिविजिबल है। कोई एक नंबर है जो दो नंबर को ऐड करके जो नंबर आया उससे डिविजिबल है, तो क्या इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली? तो क्या ये जो नंबर है यहाँ पे एक्स जो है वो सेपरेटली मतलब अलग अलग इससे 3 से और 2 दोनों से क्या ये डिविजिबल है? तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 5 भी रख सकते हैं, अगर 5 रखते हैं तो 9 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, 5 और 5 टू जा 10 रख सकते हैं, 10 5 से डिविजिबल है। तो क्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है? अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ये हो गया कंप्लीट। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो ये काफ़ी आसान है, ये 60 का फैक्टर ट्री दिया हुआ है और यहाँ पे ये दो साइड में चला गया है, यहाँ पे 6 और 10 लिया गया है, तो 6 10 जा 60 होता है, इस तरह से ये मिल जा रहा है। तो इसको दो भाग में लिया गया है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलना चाहिए कि 6 आएगा। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 तो ये 2 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर यहाँ पे 60 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 30 दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा हैंड में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, तो 32 जा 60 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर 30 को यहाँ पे दो साइड में इसको बांट दिया गया है, तो इसको यहाँ 10 और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, तो 10 3 जा 30 ये हो गया 3, और यहाँ पे 10 को दो साइड में बांट दिया गया है, तो 10 में एक 5 हो जाएगा और दूसरा 2, 5 2 जा 10 तो यहाँ पे 5 और ये 2, ये हो गया कंप्लीट। अब
क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं होता, तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल करना होगा, इसीलिए पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी, जब हम प्राइम नंबर लेते हैं, सपोज कोई प्राइम नंबर लेते हैं तो 5, इसको फैक्टराइजेशन अगर हम निकालते हैं, इसका दो ही फैक्टर होता है, 5 और ये 1, तो इसमें क्या होता है, दो ही नंबर होता है। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे, और जब कंपोजिट नंबर लेते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, सपोज ये कंपोजिट नंबर है 8 हो गया, तो इसका फैक्टराइजेशन हम 2, 4 और फिर 2 से, फिर 2 और ये 2, 1, इस तरह से दिखाते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन दिखाने के लिए 2 × 2 × 2 इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे ये जो प्राइम नंबर है, इसको शो करने के लिए इस प्राइम नंबर को हम लोग लिए हैं और इस 1 को भी लिए हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से शो कर रहे हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स को दिखाने के लिए, फैक्टराइजेशन को दिखाने के लिए, यहाँ पे हम सिर्फ ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर आए हुए हैं उसको लिए हुए हैं। हम इसके यहाँ पे क्या नहीं लिए हैं, 1 नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि 1 अगर लेते हैं इंटू 1 तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, इसीलिए 1 हम नहीं लेते हैं और इसको नहीं लेते हैं। ये जो हमारे पास जो ये कंपोजिट नंबर होता है जिसका हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, उसको यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को लेना है और उसको प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है, मतलब इस तरह से बना के दिखाना है। 4 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 नंबर, और इसमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 49 लिख देंगे इस तरह से, ये है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 9, 9, 4 हो गया। तो ये किससे जाएगा, फर्स्ट में सबसे छोटा नंबर से ले जाते हैं, तरीका यही है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ये 3 से जा रहा है, 3 से ले जाते हैं, तो यहाँ पे 3, 3 जा, ये 3, 3, 3, 3 ये हो गया। उसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 से ले जाते हैं 1, 1, 1, 1, उसके बाद फिर 3 से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इन चारों को हम ऐड करते हैं तो 4 आता है, अगर 3 आता या 6 आता तो चला जाता। तो यहाँ पे किस से जाएगा ये, फिर ये 11 से जाएगा, 11, 11, 1 जाए 11, और फिर यहाँ पे 0 बीच में आ जाएगा, और फिर 11, 1 जाए 11, 11, 11 से जाएगा, 11, 1 जाए 11, और 0 आएगा बीच में, और फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये और किसी से जाने वाला नहीं है, 101 नहीं जाएगा, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 11 × 101, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है, सेम उसी तरह से है, लेकिन नंबर इसमें चेंज है। तो नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं यहाँ पे, और नंबर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब होता है 1 लिखना है और इस पर 40 लगा देना है, ये 1, 2, 3, 4, 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, इसका फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो गया 5 डिजिट नंबर, इसका फैक्टराइज करना है, 2 से जा रहा है ये, 2 से दे देते हैं, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर से अगर जा रहा है तो उसी से देते हैं, 5, 2, 5 जा 10 हो गया 5, और इस पे 1, 2, 3, 3, 0 आ गया, अभी भी 2 से जा रहा है, जब तक यहाँ पे वंस प्लस पे 0 रहेगा तो वो 2 से जाते रहेगा। तो 2 से ले लेते हैं 2, तो 2, 2 जा 4, और यहाँ पे बच गया 1, तो 2, 5 जा 10, 2, 5 जा 10 ये हो गया, और यहाँ पे 2, 0 आ गया, अभी भी 2 से जा रहा है, तो 2, 2 1 जा 2 और 2, 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 2, 5 जा 10, तो यहाँ पे 1, 0 आ गया, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे 2 से लेते हैं, फिर 2, 6 जा 12 हो गया, और 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10, यहाँ पे
ये हो गया। अब जो है ये जो है टू से जाने वाला नहीं है, तो ये किससे जाएगा, फाइव है वंस प्लेस पे, तो फाइव से जाएगा, तो फाइव से ले जाते हैं इसको। फाइव फाइव वन जा फाइव हो गया, यहाँ पे वन बच गया, और यहाँ टू ट्वेल्व हो गया, तो फाइव टू जा टेन, और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। अब ये भी फाइव से जाएगा, वंस प्लेस पे फाइव है, तो फाइव टू जा टेन हो गया, फाइव टू जा टेन, और टू बच गया, तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ये हो गया। और फिर फाइव से जाएगा और ये फाइव अब जाने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि वन टू थ्री फोर, फोर टू और फोर फाइव, इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू टू, चार ठो हो गया, और पाँच जो है फिर चार ठो लगाना है, तीन और एक चार, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, उसके बाद देखना है कि उन जो फैक्टर्स आए हुए हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, तो पहले बनाते हैं तो ये पता चलेगा कि क्या रिलेशन होता है उसमें। तो यहाँ पे 1729 दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स 1729, तो इसका फैक्टर लेते हैं 1729, तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले हम लोग टू से देखते हैं, टू से नहीं जाने वाला है, यहाँ पे नाइन और टू एलेवन हो गया, ट्वेल्व और सेवन नाइनटीन, इसका मतलब ये नहीं जाने वाला है, थ्री से भी और फाइव से तो जाएगा नहीं, सेवन 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 टू जा फोर्टीन हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, थ्री बच गया, थर्टी टू हो गया, तो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट तो यहाँ फोर हो गया, मतलब सेवन से जा रहा है, तो सेवन से ले जाते हैं इसको, सेवन सेवन टू जा फोर्टीन और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, यहाँ पे सेवन हो गया। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा सेवन, तो सेवन से ये जाने वाला नहीं है, सेवन एलेवन एलेवन से भी नहीं जा रहा, थर्टीन से ये जाएगा, थर्टीन से जाएगा, थर्टीन वन जा थर्टीन हो गया, और यहाँ से थर्टीन निकल गया, तो कितना बच गया, ट्वेंटी फोर टू, इसका मतलब है कि यहाँ से थर्टीन निकलने पर एलेवन बच रहा है, और एलेवन मतलब वन सेवनटीन, मतलब थर्टीन नाइन जा वन हंड्रेड सेवनटीन होता है, तो ये नाइनटीन आ गया, और ये नाइनटीन जो है ये प्राइम नंबर है, तो इसके आगे ये जाने वाला नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, सेवन इंटू थर्टीन इंटू नाइनटीन, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, तो यहाँ रिलेशनशिप हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेवन से यहाँ पे पहुँचने में सिक्स डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में सिक्स डिफरेंस, मतलब है कि इन सभी नंबरों के बीच में सिक्स डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिक्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, ये हो जाएगा आंसर, ये रिलेशनशिप यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स, वेरीफाई दैट स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, मतलब आ रहा है कि तीन कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर को लेते हैं और वो हमेशा सिक्स से डिविजिबल होता है, उसको प्रोडक्ट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और वो सिक्स से हमेशा डिविजिबल होता है, तो वेरीफाई करने के लिए बता रहा है कि एक दो एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करना है कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल यहाँ पे ही ले लेते हैं, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर बता रहा है, तो कोई भी शुरू से ही ले लेते हैं, टू इंटू थ्री इंटू फोर, कितना आ रहा है ये, तो यहाँ पे फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर जो है सिक्स से डिविजिबल है, तो सिक्स का टेबल में ट्वेंटी फोर तो आता ही है। उसके बाद एक और ले लेते हैं नंबर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके आगे ले लेते हैं, फाइव से ले लेते हैं, फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये फाइव सिक्स जा थर्टी हो गया, थर्टी और सेवन मतलब सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, पे एक जीरो लगा दिए तो टू हंड्रेड टेन हो गया, टू हंड्रेड टेन क्या सिक्स से डिविजिबल है, तो सिक्स थ्री जा एटीन हो गया, एटीन मतलब इसमें से निकल गया एटीन, तो यहाँ पे बच गया थ्री, तो थ्री मतलब थर्टी, तो सिक्स का टेबल में थर्टी आता है, मतलब ये भी डिविजिबल, ये डिविजिबल है सिक्स से और ये भी डिविजिबल, मतलब इस तरह का नंबर डिविजिबल है, और इस तरह से ये प्रूफ होता है कि ये डिविजिबल है, तो ये प्रूफ हो गया दो एग्जांपल लेके।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बतला रहा है, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. वेरीफाई. कुछ जो एग्जाम्पल लेके इसको बतलाना है. एग्जाम्पल हम यहीं पे लिखे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह है. द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स ले लेते हैं लगातार सम, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर लेते हैं और 3 तो ऑड नंबर है, ये 3 लेते हैं और प्लस 5 शुरू से लेते हैं, 5 कितना हो गया 8, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से डिविजिबल है. उसके बाद इसके आगे ले लेते हैं ऑड नंबर 7 ले लेते हैं, 7 प्लस 9 इक्वल टू 16, यहाँ भी ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है, तो ये भी हो गया क्लियर कि ये 4 से डिविजिबल होता है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल है, मतलब एस लिख सकते हैं एस, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एस डिविजिबल है. क्वेश्चन नंबर नाइन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरह से हम लोग किसी नंबर का निकालते हैं, तो यहाँ पे सही रूप में कौन सा निकला हुआ है, तो यहाँ पे पहचानने का सिंपल सा तरीका है. यहाँ पे 2, 3, 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये नहीं होगा. यहाँ पे 7, 2, 2, 2 ये जितने भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो प्राइम नंबर है. तो यहाँ पे ये भी देख लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है, 7, 2, 14 हो गया, 14, 2, 28 हो गया, और 28, 2, 56 होता है, मतलब ये सही है. और 70 इसका 5, 2, 10 हो गया, 10, 7, 70 हो गया. तो हो रहा है यहाँ पे जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर है, मतलब ये सही है, ये सही है, ये तो इसमें ये जो नंबर है इसके वजह से ये गलत है, और यहाँ पे 9 जो दिया हुआ है ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है. इसका मतलब है कि बी नंबर और सी नंबर ये दोनों सही है, तो बी नंबर एंड सी नंबर ये दोनों सही हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं. डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45. कि यहाँ पे विचार कीजिए कि ये नंबर जो है क्या 45 से डिविजिबल है. हिंट में यहाँ पे बताया गया है 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स नंबर बाय 5 एंड 9. तो यहाँ पे इसका फैक्टर जो है 45 का फैक्टर ये दोनों आएगा, और ये दोनों जो है नंबर जो आएगा वो को प्राइम नंबर्स है. को प्राइम मतलब इसका सिर्फ एक फैक्टर मिलता है 1, और ऐसे नंबर जो होते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है, मतलब ये दोनों तो इसका फैक्टर है. इसका मतलब है कि जो नंबर 45 से डिविजिबल होगा वो इससे डिविजिबल होगा, और इससे डिविजिबल होगा वो 45 से भी डिविजिबल होगा. मतलब इस नंबर को हमको चेक कर लेना है कि क्या ये 5 और 9 से डिविजिबल है. अगर 5 9 से डिविजिबल है तो 45 से भी डिविजिबल है. तो डिविजिबिलिटी हम लोग चेक क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं और डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसका, क्या 5 से डिविजिबल है. 25,110 तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 5 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, इसके वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है. डिविजिबल बाय 5 मतलब ये 5 से डिविजिबल है. उसके बाद डिविजिबल बाय 9, 9 से कैसे डिविजिबल होता है, 1, 1 इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 2 और 5, 7 हो गया, 2, 9 हो गया, तो 9 आ गया, तो 9 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है. तो 9 से और 5 से डिविजिबल है इसका मतलब, और जो है ये दोनों, इन दोनों से 45 डिविजिबल है, ये दोनों उसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 45 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 45. तो इसका आंसर हो जाएगा डिविजिबल है, ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. कि 18 डिविजिबल है इन दोनों से, ये इसका फैक्टर है, 2, 3 इसका फैक्टर है, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये 6 आ गया, इससे डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है 18. सिमिलरली उसी प्रकार से ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6. उसी तरह से एक नंबर जो है वो 4, 6 से दोनों से डिविजिबल है. कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इक्वल टू 24. तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे 2 और 3 से जब 18 डिविजिबल था और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लाया और इससे भी ये डिविजिबल हुआ,
तो क्या इसी तरह से 24 से वो नंबर जो इससे डिविजिबल है, तो क्या 24 जो है वो उस इससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा जो इन दोनों से वो डिविजिबल है? तो ये इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो एक इसको जस्टिफाई करना है कैसे डिविजिबल नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। इसके ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5, 9 जो है को प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पे ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है आंसर, ये 11 नंबर ले लेते हैं और 4 का फैक्टर ले लेते हैं। तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2 और 4 हो जाएगा। और 6 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 3 एंड 6 ये हो जाएगा। यहाँ पे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये दोनों मिलने का मतलब है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। और को प्राइम नंबर नहीं होने से क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से जो ये मल्टीप्लाई करके जो नंबर लाया गया है, इससे ये जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर को, इससे वो डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से होता है, जैसे कि इन दोनों से कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है, अगर कोई इससे छोटा नंबर इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो ये इससे डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये उससे बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर को डिविजिबल नहीं करता। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पे जैसे कि इन दोनों किसको डिविजिबल कर रहा है, ये दोनों नंबर किसे डिविजिबल कर रहा है पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 और ये हो गया 2 और यहाँ पे 3, तो 3 2 6 हो गया, 6 2 12 हो गया। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है सबसे छोटे नंबर को जो इसको डिविजिबल कर रहे हैं 12 हो गया, तो 12 जो है ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है 6 और 4 से। लेकिन 24 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है 24, तो ये 24 से ये डिविजिबल है नहीं है, क्यों, कि ऑलरेडी ये इससे छोटा है। ये जो है ये नंबर इससे डिविजिबल हो सकता है लेकिन ये नंबर 12 जो है इससे डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है डिविजिबल नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 4 एंड 6 आर नॉट को तो यहाँ पे लिखते हैं इसका रीजन जो है डिविजिबल नहीं है। तो क्यों डिविजिबल नहीं है, नो, 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 4 और 6 जो है को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए इसके प्रोडक्ट से ये दोनों जो डिविजिबल कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो इसको डिविजिबल नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ। Having 4 different prime factors, can you find me? और उसमें क्या है, वो कौन सा छोटा नंबर है, ये कुछ बतलाया नहीं है लेकिन बतला रहा है कि उसमें 4 अलग अलग प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स है उसके। तो छोटा नंबर जो है सपोज उसको मान लेते हैं x, क्योंकि पता नहीं है, और इसमें सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है उसको ले लेते हैं। तो सबसे छोटा 2 से शुरू होता है, 2 और चारों जो है 4 different, चारों जो है अलग अलग, तो 3 हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या होता है 5, और इसके बाद क्या होता है 7, 7 भी प्राइम नंबर है। तो इन चारों को ले लेते हैं, अब इन चारों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पता चल जाए कि ये कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10 हो गया, 10 3 30 हो गया, 30 मतलब 3 7 21, तो 21 ये 21 पे एक जीरो लगा दिए तो 210 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला, 210। तो ये है सबसे छोटा नंबर, x इक्वल टू ये इतना आ गया। तो ये जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए या उन लोगों तक पहुँच जाए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का और भी वीडियो इसमें आते रहेंगे और अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो आते रहेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।